हाय फ्रेंड्स, आज हम उपवास की खास साबूदाना पूरी बनाने जा रहे हैं। किसी भी उपवास की सब्जी रायते या चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये पूरियाँ। सबसे पहले हम दो मीडियम साइज के उबले हुए और कद्दूकस किए आलू लेंगे। उसमें डालेंगे साबूदाना जिसे मैंने 4 घंटे भिगो के रखा था। दोनों को अच्छे से मिक्स करें। बाद में डालते हैं कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, नमक और काले मिर्च। उपवास का आटा डाल सकते हैं। जीरा और 1 चम्मच तेल डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और पराठा जितना सॉफ्ट आटा गूंद लें। हाथों से थपथपाकर जैसे वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से पूरियां बना लें। आप एक प्लेट की सहायता से भी पूरियां बना सकते हैं। जो भी मेथड इजी लगे वो यूज करके पूरियां बना लें। तो लीजिए, मेरी सारी पूरियाँ तैयार हैं, तलने के लिए बिल्कुल तैयार। आप इसे मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। पूरियां सब्जी रायते या चटनी के साथ सर्व करें। होपफुली अब सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और रेसिपी के साथ।